विमान हादसे में शहीद हुए 14 लोगों में मध्य प्रदेश के सीहोर का सपूत भी शहीद हो चुका है। हेलीकॉप्टर में सीहोर का सपूत जवान जितेंद्र वर्मा भी ड्यूटी पर था। हादसे की वजह से उनकी भी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। देखिए खास रिपोर्ट। जितेंद्र के निधन की खबर मिलते ही गांव में मातम छा गया। हादसे के वक्त जितेंद्र भी हेलीकॉप्टर में मौजूद था, जिससे कि उसकी मौत हो गई। चाचा सुंदरलाल ने बताया कि जितेंद्र ने सेना में जाने के लिए 8वीं क्लास से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। जब भी आता था तो मुझे भाई बोलता था, मेहनती लड़का था। 9 नवंबर को ही गांव लौटा था। कहता था देश की सेवा करना है। कल दोपहर 2 बजे सूचना मिली थी कि जितेंद्र नहीं रहा। सेना में जाने के लिए तो उसने 8वीं से ही कंपलसरी रखा था कि भाई मेरे को आर्मी में जाना ही है। और बहुत अच्छा व्यवहार था, परिवार में भी बहुत अच्छा व्यवहार था। जब भी आता था चाचा नहीं भाई बोलता था मेरे को, और बहुत अच्छा नेचर था। और बाकी बहुत मेहनत करता था, बहुत मेहनत कर रही थी उसने। और अब क्या है कि अब आपके सामने क्या दुख व्यक्त करें, हम खुद हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। और काफ़ी मेहनत की उसने। अभी अंतिम बार कब आया था गाँव? अभी 9 तारीख को ही गया था। क्या 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 चर्चा हुई थी जाने समय, किस तरह का माहौल था, क्या बात हुई थी उन्होंने? बहुत अच्छा माहौल था, बहुत उत्साहित था उसको। ऐसा नहीं था, उसको ये था कि मेरे को देश की सेवा फुल फाल करना मतलब करना है। और काफ़ी मेहनत की उसने। और जब भी मेरे से मिलता था तो बहुत अच्छा, ऐसा बहुत अच्छा व्यवहार नेचर था। और ऐसा भी नहीं मतलब कि उसने कभी ये दर्शाया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो ये बताइए, पिछले 1 साल से वो बिपिन रावत जी के साथ थे जो जितेंद्र हैं, तो बिपिन रावत जी के बारे में कुछ बताते हो कि उनका नेचर कैसा था रावत जी का? नहीं, इस विषय में कोई बात नहीं हुई हमारी। इस विषय में हमारी कोई बात नहीं हुई। और ये भी बात नहीं हुई कि मैं रावत जी के साथ हूँ कि कहाँ हूँ, उसने ऐसा तो कभी बताया नहीं। अच्छा, कल सूचना कैसे मिली थी आपको? कल सूचना हमें 2 बजे के समथिंग मिली थी कि ये जितेंद्र नायक रावत साहब के साथ मतलब। तो फिर क्या है कि न्यूज के द्वारा ही मिली, ऐसा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात हुई नहीं। पर जैसे हमें मिली, फिर हमने उसके फ़ोन पर कांटेक्ट किया तो उसके दोनों नंबर बंद आ रहे थे। फिर भी हमें लगभग सही कंफर्म करने में, ये मानिए आपकी 6-7 बजे तक सही कंफर्म हम तभी कर पाए कि वास्तविक कि हमारा भतीजा उनकी पार्थिव मुख्यमंत्री ने बात की। यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मध्य प्रदेश का सपूत है। सीएम के सीएम से कोई फ़ोन आया, कोई बात? सीएम हाउस से भी फ़ोन आया था, सीएम साहब ने डायरेक्ट फ़ोन लगाया था कलेक्टर साहब को। लेकिन क्या है कि उनने डायरेक्ट कलेक्टर सीएम साहब ने ये बोला था कि हमारी सुनीता से बात करवाओ, जो हमारी बहू है, तो सुनीता से बात करवाओ। तो वो इसी स्थिति में थी नहीं कि वो उनसे बात कर पाए। इसलिए फिर क्या है कि कलेक्टर महोदय ने बात करके और फिर आगे का कोई ऐसा रहा नहीं कि वो फिर बात कर सके। पूर्व राजस्व मंत्री और इक्षावर विधानसभा से विधायक करंट सिंह वर्मा ने कहा कि हमारा हीरो जितेंद्र भारत माँ की सेवा करते हुए शहीद हो गया। जितेंद्र जी को मैं पर्सनली जानता था, उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, बहुत हसमुख थे। बहुत ही दुखद घटना है। रात को मुझे हमारे जिला के कलेक्टर साहब ने बताया कि धामंदा का हमारा जितेंद्र भारत माँ की सेवा करते करते शहीद हो गया। भाई भाई बहुत बुरी घटना है, मगर एक सबसे अच्छा है कि हमारे इछावर क्षेत्र का एक हीरो जिसने अपने देश के खातिर समर्पण किया और देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, मैं उनको अपनी ओर से इछावर क्षेत्र की जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये बड़ी दुखद घटना है, पर कई बार मिले बहुत ही हसमुख। और राष्ट्र सेवा करने का जुनून था, राष्ट्र निर्माण के लिए लोग जाते आते सभी है, पर ये एक इछावर का हीरो हमारा हमारे देश के खातिर राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र में शहीद हुआ, मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि। सर, इस दुखद हादसे के बाद ही आपको मालूम पड़ा कि जनरल बिपिन रावत साहब के पीएसओ स्टाफ में ये मालूम पड़ा पहले कि ये दुखद निधन हमारे जो देश के नायक थे, पर बाद में मालूम पड़ा 10 बजे कलेक्टर साहब ने मुझे बताया कि सीहोर का कोई अपना धामंदा का जितेंद्र, मैं जानता था जितेंद्र जी को, बहुत ही बढ़िया हसमुख व्यक्ति थे, राष्ट्र निर्माण के लिए उनका हमेशा से भावना थी, तभी मुझे मालूम। नहीं, इनका बहुत अच्छा देश के लिए, गांव के लिए भी उनका बहुत अच्छा व्यवहार रहा गांव को, और मेरा भी बहुत जीवन संपर्क रहा उनसे, बहुत ही अच्छे लोग हैं। और जब भी जितेंद्र मेरे पास आते थे गाँव पर, मैं भी यहाँ आता था, मिलते थे, तो बहुत ही हसमुख और राष्ट्र निर्माण की उनमें एक झलक थी कि मैं देश के लिए अपना कुछ काम कर रहा हूँ। सर, मुख्यमंत्री जी के आने की क्या सूचना है? मुख्यमंत्री जी आएंगे अभी, तो देखिए वहाँ से उनका डीएन होगा, क्योंकि ये हादसा बहुत खतरनाक था,
अब वो पूरा वहाँ से मामला आएगा, यहाँ से डीएन होगा, वहाँ से समय लगेगा थोड़ा। अभी साहब भी आएंगे, सीएम साहब भी आएंगे, आएंगे क्यों नहीं आएंगे। कोई परिस्थिति अगर ऐसी हो जाए कोरोना की, वो बता नहीं सकते। सर अपनी ओर से क्या श्रद्धाएं देना चाहेंगे इस दुखद हादसे का? मैं तो बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और उस परिवार का, उनका जो बेटा खोया है, उनका बेटा बन के रहूंगा, और उनकी हर जीवन पर्यंत जब तक मेरी अंतिम सांस तक उनकी सेवा करूंगा। गौरतलब है कि विमान हादसे की खबर मिलते ही पूरा देश स्तब्ध हो चुका है। विमान हादसे में देश को गहरी क्षति हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी, सीहोर।